नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरी चैनल पे। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube पे स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक ना ही लगे तो अच्छा है। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मुझे जो स्ट्राइक है किस वजह से लगी है और मैंने आप क्या रिएक्शन किए है, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके वेबसाइट पे स्ट्राइक, मतलब अगर YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं उस पे स्ट्राइक लग जाती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने भी काफ़ी सारे YouTube वीडियो पे देखने के बाद कोशिश की है। तो फिलहाल तो मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगा मैंने अब तक क्या किया है, देख लीजिए। तो मैंने अभी हाल ही में एक वीडियोज़ अपलोड की थी जिसमें मैंने वीडियो रिमूव कर दी है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण, बट वो मैंने गलती की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गलती आप मत कीजिएगा अगर आप जेन्युइन कंटेंट आप अपडेट करते हैं। एक इमेजेस मैंने जो अपडेट की थी अमिताभ की, जो कौन बोले करोड़पति से, उसी के कारण या कंटेंट जो मैंने वेबसाइट से लिए थे उसी के कारण वो वीडियो शायद उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। उसका एग्जैक्ट रीज़न मैंने मांगा है यूट्यूब से भी और जो कॉपीराइट कंटेंट जिन्होंने क्लेम किया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँगा कि आप ये जो स्ट्राइक है, एप्लिक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये कंपनी के बारे में भी मैंने वेबसाइट में पढ़ा, तो ये जो कंपनी है जनरली जो भी एंटरटेनमेंट म्यूज़िक जो भी इंडस्ट्री है उनको एक काम देती है, अगर कुछ भी कॉपीराइट के कंटेंट अगर उनको वेबसाइट पे मिल जाता है तो उसके वजह से वो जो भी अगर यूज़र जो यूट्यूबर है अगर अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पर तो उस पर स्ट्राइक लगा देते हैं। और ये जो स्ट्राइक है 90 डेज़ के अंदर होती है। तो मैं आपको पहले तो मेल बताना चाहूँगा कि मुझे जो मेल में है कॉपीराइटेड यूट्यूब, तो मैंने क्या भेजा हो मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक मैंने मेल भेजा है जिसमें लिखा है कि मेरी चैनल का नाम और कॉपीराइटेड वीडियो, मैंने हालांकि वीडियो डिलीट कर दिया है और उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आपको ये वीडियो डिलीट नहीं करना है। मैंने कॉपीराइटेड जो भी है एक मेल भेजा, उन्होंने उनको बताया कि हाँ मैं वीडियो में मैंने खाली इमेजेस अपलोड की थी जिसके कारण मे भी कंटेंट भी हो सकता है। तो मैंने उनसे आंसर मांगा है कि इसमें क्या क्या आंसर होना चाहिए क्या क्या आंसर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube में आपको अगर कॉपीराइट अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट, हाँ तो मुझे जो रिक्वेस्ट थी मैंने रिट्रैक्ट रिक्वेस्ट करके मैंने भेजा था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और तो यहाँ पे जैसे मुझे कोई रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक सॉरी भी मांगी है उनसे और पता है कि हाँ ये रिट्रैक करना है। तो उनका जो आंसर आया है तो आपको एक अगर एक मेल आएगा, मैं आपको मेल भी बता देता हूँ। इसमें उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है वी कंफर्म दी रेसिपिएंट्स और यहाँ पे लिखा है कि अंडरस्टैंड, बट वो जो है अभी एप्लीकेशन है तो अभी वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस में रिट्रैक वापस नहीं लेना चाहते। तो अभी क्या है सही है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर इमेजेस इस्तेमाल करते हैं बट मे बी उनको जो फॉलो करना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन, और मैंने मेंशन किया है कि हाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने उनको फ़िलहाल जो भी है माफ़ीनामा वापस भेजा है लेकिन अब तक वापस रिवर्ट तो अभी तक आया नहीं है। देखते हैं लेट्स सी कि अभी उनका जो रिवर्ट है कि क्या है क्या नहीं है उसकी सारी जानकारी। और एक जो है मुझे चैनल पर उन्होंने क्या भेजा था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आ जाता है रिट्रैक वगैरह तो काफ़ी एक चैनल के लिए एक दबाई आप समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है फिलहाल देखिए क्योंकि अगर यहाँ पे यूट्यूब पे आप मैं बता रहे थे ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने मेरी चैनल के नाम पे जो स्ट्राइक है वो रेज हुई है, मैं उसका मेल आईडी बताना चाहूँगा, मतलब मेल में जो उन्होंने कंटेंट यूट्यूब ने भेजा है। सो लिखा है कि ड्यू टू कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट वी रिसीव वी हैड टू टेक डाउन वीडियो फ्रॉम द यूट्यूब। तो हालांकि मैंने फिलहाल तो वीडियो भी डिलीट कर दी जो मैंने गलती की हो जो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मेरे जो भी है रिवर्ट के लिए आंसर मांगा है अभी उनसे, अगर मान लीजिए कि अगर यूट्यूब मुझसे वीडियो मांगता है तो मैं उनको भेज दूंगा यूट्यूब में और जो भी वो नेसेसरी एक्शन लेंगे। लेकिन अगर ये जो स्ट्राइक है 90 दिन तक रहेगी तो कोई भी बड़ा अगर यूट्यूबर रहेगा तो उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, एक चीज़ है कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कोई भी आप कॉपीराइटेड इमेजेस या वीडियोस अपलोड मत कीजिए बिकॉज वो आपके यूट्यूब चैनल के लिए और यूट्यूब करियर के लिए काफ़ी हानिकारक रहेगी। तो मेरा जो मानना है वो भी है जेन्युइन कंटेंट का इस्तेमाल कीजिए, जितना जेन्युइन कंटेंट इस्तेमाल करेंगे आपके यूट्यूब वीडियो में आपके यूट्यूब करियर के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो फिलहाल तो मेरे वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, फिलहाल तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता लेकिन ठीक है, एक जानकारी थी जो आपके लिए इन नियर फ्यूचर जो काम में रहेगी। और YouTube की जो गाइडलाइंस है ज़रूर पढ़िए, मैं आपको गाइडलाइंस जो भी है यहाँ पे गाइडलाइंस, क्योंकि देखिए स्ट्राइक अगर आती है तो दिखता कैसा है यहाँ पे, तो गाइडलाइंस पढ़िए, गाइडलाइंस पढ़ने के बाद ही नेसेसरी एक्शन लीजिए।
ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपका हर एक का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।